छूता है बाहों में लूं आसमां, दिल ये कहता है फूलों में हूँ आशियां, जी ये चाहता है बाहों में लूं आसमां, दिल ये कहता है फूलों में हूँ आशियां। नजरें मिले तो असर ये होता है, और आंखों से जो कोई आंखें ही ना मिलाए तो ऐसे रूठने वालों का क्या कीजिएगा, रूठने वालों को कैसे मनाया जाए। वैसे नाराजगी दिल से कहां हुआ करती है, होठों पर शिकवे भले हों पर दिल में तो बस प्यार ही प्यार होता है, और रूठना मनाना ये भी तो मोहब्बत की ही एक अदा है। पर जो दिल की बात ना समझे तो ये तो कहना पड़ेगा ना। जाने दी की बात हो न माने दी की बात हो राना।
इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीली बोलियां विविध भारती के दिल्ली केंद्र से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अभी हाजिर होते हैं। देव दर्शन सुबह जलाओ शाम जलाओ चारों दिशाओं को महकाओ देव दर्शन सर्वोत्तम क्वालिटी देव दर्शन शुद्ध व पवित्र धूप अगरबत्तियाँ। बदलते मौसम की खांसी तो आम कॉफ सिरप नहीं, घर लाओ डाबर हनीटस। तुलसी मुलेठी हनी से बना आयुर्वेदिक डाबर हनीटस अपना। खांसी का दुश्मन डाबर हनीटस, डाबर हनीटस। अब हनीटस के साथ 10 रुपए का हॉट सिप सैशे बिल्कुल मुफ्त। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये विविध भारती का दिल्ली केंद्र है। कार्यक्रम चल रहा है सुरीली बोलियां और आज मैं हूँ इस कार्यक्रम में आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वंदना सहगल। मानू सब बातें तेरे कद
कदमों में डाल धुला के जमाने की सौगातें। लाख की चूड़ियां हों या राजस्थानी चूनर, पंजाब की फुलकारी या फिर लखनऊ की चिकनकारी, महिलाओं को तो हमेशा अपने साजन से इन्हीं यादगार तोहफों की डिमांड रहती है। लेकिन इन यादगार तोहफों को बनाने वालों को भी याद करना और उनकी कला का सम्मान करना बेहद जरूरी है। इसीलिए 8 से 14 दिसंबर तक मनाया जाता है अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह, जिससे सभी राज्यों के हस्तशिल्प कलाकारों के लिए समाज में जागरूकता आए। वैसे तो समय समय पर बहुत सारी हस्तशिल्प यानी कि हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी और मेले तो लगते ही रहते हैं, तो इन कारीगरों इन कलाकारों का उत्साह बढ़ाने के लिए, इनकी कला को सम्मान देने के लिए इनसे सामान जरूर खरीदें। और दिल्ली में भी बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट मेले लगते रहते हैं, तो यहाँ जरूर जाएं और कुछ ना कुछ खरीद कर जरूर लाएं। जयपुर की चोली क्या तेरे इशारे पर लिख दूं मैं नाम तेरे, जयपुर खरीद कर। जयपुर की चोली मंगवा दे रे सैया, केसर के रंग में रंगवा दे सैया। झटपट होगा फटाफट होगा, मोहब्बत की खातिर फटाफट होगा। चूड़ियों से भर दूंगा तेरी कलैया, चूड़ियों से भर दूंगा तेरी कलैया। जयपुर की चोली
सुरीली बोलियां कार्यक्रम जारी रहेगा. पहले सुनते हैं ये संदेश. We are here, an integral part of the sky. With bravery and passion, we represent commitment and patriotism, strong and flying high. Join the Indian Air Force. The Indian Air Force is now accepting applications for officers. Registration start date from December 1 to December 30th. For more information, log on to www.careerindianairforce.cdac.in. तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूँ. बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप. अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है. पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स. आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए. सुरक्षित, आसान. रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा. बहुत सही कह रहे हैं आप. आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए. एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम सुरीली बोलियां में. श्रोताओं, हम सब ने बचपन में अपनी मम्मी से जरूर सुना होगा कि जहां बैठना नहीं वहां का पंखा बंद कर दो या लाइट ऑफ कर दो. ये सभी अच्छी आदतों में शुमार होता है. तो अगर आप ये सब करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते तो आज से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस. हर साल 14 दिसंबर को ऊर्जा की बचत करने के लिए और जागरूकता लाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है. तो आप भी ऊर्जा संरक्षण में योगदान जरूर कीजिए. फिलहाल अभी सुन लेते हैं कार्यक्रम का अगला गीत. बिजली गिरा के आप खुद बिजली से डर गए, हम सादगी पे आपकी लीला मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम. ओ दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम. जानते हो तू कुछ ना कहेंगे हम, जानते हो तू कुछ ना कहेंगे हम. मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम. कहाँ है हमें क्या खबर, मोहब्बत की कसम. तेरी आंखों में जो सुरूर है सारा इसी का तो कसूर है. सैयाई जानी नजरें
एक बार खुद हो जाता है प्यार। कुछ ना कहेंगे हम, ओ जानते हो तुम, कुछ ना कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। करेगा स्टैमिना इम्प्रूव, फायदा नंबर थ्री, करोगे तुम अग्री, हो जाओगे स्ट्रेस फ्री एंड वाना फ्लाई लाइक द बी। डाबर हनी के फायदे हैं मेरी, फायदे मेरी। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये विविध भारती का दिल्ली केंद्र है। कार्यक्रम चल रहा है सुरीली बोलियां, जिसे आज आप सुन रहे हैं मेरे यानी आपकी रेडियो दोस्त वंदना सहगल के साथ। दोस्तों आइए बात करते हैं फिल्मी नगरिया की। वैसे तो एक फिल्म बनाने में बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है, पर उनमें से याद रह जाते हैं चंद नाम। उन्हीं प्रख्यात नामों में से एक है फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल, जिनका आज जन्मदिन है। बहुत सारे फिल्म पुरस्कारों के साथ पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित श्याम बेनेगल ने अपने करियर की शुरुआत बतौर कॉपीराइटर की थी और उनकी पहली फिल्म गुजराती डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। भारतीय सिनेमा के नए युग की शुरुआत करने वाले श्याम बेनेगल, जिन्हें कला फिल्में या समानांतर या फिर कहें सार्थक फिल्मों का महारथी कहा जाता है। श्याम बेनेगल की शुरुआती चार फिल्में अंकुर, निशांत, मंथन और भूमिका मनोरंजन और सामाजिक सरोकार के बीच संतुलन दिखाती हैं। श्याम बेनेगल की फिल्में एक ऐसा आईना है जिसमें समाज के हर वर्ग का चेहरा हमें झांकता हुआ दिखाई देता है। उनकी फिल्म मंथन डेयरी उद्योग की पृष्ठभूमि पर आधारित थी और श्याम बेनेगल ने इस फिल्म में एक ऐसा प्रयोग किया जिससे गुजरात के 5 लाख से भी ज्यादा किसान इस फिल्म के निर्माता बन गए। जी हाँ, हर किसान ने 1970 में यह फिल्म बन रही थी और 70 के दशक में बनी इस फिल्म में 2 रुपए का योगदान किया और बन गए इसके निर्माता। आइए श्याम बेनेगल को जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए सुनते हैं मंथन फिल्म का ये गीत। नदियां बाहे जहां कोयल टोको गाए, मारे घर आंगन
चलिए श्रोताओं, अब समय में थोड़ा और पीछे ले चलते हैं आपको। 14 दिसंबर सन 1924 में, जी हाँ, ये वो तारीख है और ये वो वर्ष है जब जन्म हुआ था भारतीय सिनेमा के ग्रेट शोमैन राज कपूर का। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता और निर्देशक राज कपूर 11 वर्ष की उम्र में इंकलाब फिल्म में पहली बार पर्दे पर नजर आए। 1947 में नीलकमल फिल्म में मधुबाला के साथ नायक के रूप में पहली बार दिखाई दिए। इसके बाद उनकी बहुत सारी फिल्में पर्दे पर प्रदर्शित हुईं। 1948 में आग फिल्म में पहली बार वो नायक के साथ साथ निर्माता निर्देशक भी बने। ये फिल्म सफल तो नहीं रही, लेकिन राज कपूर ने अपनी प्रयोगशाला में एक और प्रयोग किया 1949 में फिल्म बरसात में, जहां वो एक बार फिर अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे, पर इस बार पूरी नई टीम के साथ उन्होंने काम करने की सोची और पहली बार ब्रेक मिला संगीतकार शंकर जयकिशन को, गीतकार हसरत जयपुरी और गीतकार शैलेंद्र को, साथ ही नायिका निम्मी को। और बरसात फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। '51 में आई आवारा फिल्म ने राज कपूर को एक नई पहचान दिलाई। 1953 में रिलीज हुई आहा फिल्म में एक अलग तरह का किरदार निभाते नजर आए राज कपूर। 1955 में आई श्री 420 जो बेहद सफल रही और इसका एक गाना प्यार करने वालों के दिलों में आज भी गूंज रहा है। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। अपनी
चमकेगा कभी। चार सौ बीस के अलावा परवरिश, फिर सुबह होगी, अनाड़ी, छलिया, जिस देश में गंगा बहती है जैसी बहुत सी फिल्मों में अलग और अनोखे किरदार निभाते नजर आए ये हरफन मौला अभिनेता राज कपूर। दिल ही तो है, संगम और तीसरी कसम में अपनी अदाकारी से दर्शकों के दिलों पर राज करते रहे राज कपूर। 1970 में आई मेरा नाम जोकर, इस फिल्म के साथ ही राज कपूर ने बतौर नायक फिल्मों से संन्यास लिया, लेकिन चरित्र भूमिकाओं में वो नजर आते रहे और सन 1988 में इस दुनिया से विदा ली। लेकिन अपने यादगार अभिनय से आज भी राज कपूर अपने चाहने वालों के दिलों में जीवित हैं।
चल खेल में हम हो न हो गर्दिश में तारे रहेंगे सदा चल खेल में हम हो न हो गर्दिश में तारे रहेंगे सदा भूलोगे तुम भूलेंगे वो पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा रहेंगे यही बात जब राज कपूर की हो तो उनके प्रिय मित्र शैलेंद्र भी याद आ जाते हैं, क्योंकि शैलेंद्र को फिल्मों में लाने का श्रेय राज कपूर को ही जाता है। राज कपूर ने ही शैलेंद्र को नाम दिया था कविराज, अपनी फिल्म बरसात के गीतों को लिखने को दिया। शैलेंद्र ने गीत लिखा बरसात में हमसे मिले तुम, और ये फिल्म 1949 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। और शैलेंद्र ने ही हिंदी फिल्मों में शीर्षक गीत लिखने की परंपरा की शुरुआत की। राज कपूर और शैलेंद्र की दोस्ती ने बॉलीवुड को बहुत सारी खूबसूरत फिल्में और बेहतरीन गानों से नवाजा। शैलेंद्र ने 1950 और 60 के दशक में बहुत सारे गाने लिखे। हालांकि वो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आना चाहते थे, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से उन्हें आना पड़ा। फिर तो शैलेंद्र की कलम से ऐसे गीत निकले जो सीधे दिल में उतर जाते हैं। प्यार हुआ, इकरार हुआ, जीना इसी का नाम है, सजन रे झूठ मत बोलो जैसे गीत देने वाले गीतकार शैलेंद्र ने फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मारे गए गुलफाम पर तीसरी कसम फिल्म बनाई, जिसमें उनके दोस्त राज कपूर मुख्य भूमिका में थे। और बताया जाता है कि राज कपूर ने शैलेंद्र से बतौर फीस 1 रुपया लिया था, जो इन दोस्तों की दोस्ती की मिसाल है। शैलेंद्र ने फिल्म तीसरी कसम के लिए अपने जीवन की सारी पूंजी लगा दी, पर फिल्म पर्दे पर शुरुआती दौर में नहीं चली। और संयोग से, या यूं कहें दुर्भाग्य ये रहा कि 1966 में 14 दिसंबर यानी अपने दोस्त राज कपूर के जन्मदिन वाले दिन ही शैलेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कहा। उनकी पुण्यतिथि पर हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सुनते हैं उनका लिखा ये गीत। प्यार प्यार ना रहा जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा एतबार ना रहा दोस्त दोस्त ना जिंदगी की राह में बने
खुल गए राजदार ना रहा जिंदगी हमें तेरा ऐतबार ना रहा ऐतबार ना रहा हरे गले से बोलती वो तुम न थी तो कौन था तुम ही तो थी सफर के वक्त में पलक के मोतियों को तोलती वो तुम न थी तो कौन था तुम ही तो थी रात ढल गई अब सुमार ना रहा जिंदगी हमें तेरा ऐतबार ना रहा ऐतबार ना रहा वफा का लेके नाम जो धड़क रहे थे हर घड़ी वो मेरे नेक नेक दिल तुम ही तो हो जो मुस्कुरा के रह गए जहर की जब सुई गड़ी वो मेरे नेक नेक दिल अब किसी का मेरे दिल इंतजार ना रहा जिंदगी हमें तेरा ऐतबार ना रहा ऐतबार ना सच में दोस्तों जिंदगी का क्या भरोसा है न जाने कौन सा पल कौन सा मंजर दिखाए पर फिर भी हमारी जिंदगी की किताब में कुछ खूबसूरत पन्ने भी होते हैं जिन्हें उलट पलट कर देखते रहना चाहिए। भारतीय सिनेमा में आज का दिन कुछ ऐसा ही महत्व रखता है क्योंकि आज ही के दिन जन्म हुआ था हिंदी फिल्मों में स्वाभाविक अभिनय करने वाले प्रसिद्ध अभिनेता विश्वजीत चटर्जी का। बंगाली फिल्मों से अभिनय के सफर की शुरुआत करने वाले विश्वजीत ने 1962 में हिंदी सिनेमा में कदम रखा और उनकी पहली फिल्म 20 साल बाद बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसके बाद उन्होंने मेरे सनम शहनाई अप्रैल फूल और शरारत जैसी फिल्मों में कई यादगार भूमिकाएं निभाई। बंगाली होने पर भी उन्होंने हिंदी भाषा पर अच्छी पकड़ बनाई। उनके प्रशंसक और दर्शक उन्हें किंग ऑफ रोमांस के नाम से जानते हैं। विश्वजीत ने अभिनय के अलावा फिल्मों के निर्माण और निर्देशन में भी हाथ आजमाया पर उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली लेकिन उनके अभिनय को लोग आज भी याद करते हैं और आज उनके जन्मदिन पर देते हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम दम मेरे मान भी जाओ कहना मेरे प्यार का अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का अरे हमदम मेरे मान भी जाओ कहना मेरे
प्यार का अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का अरे हमदम मेरे की हवा पहले चलती है फिर एक लट इनकार की रुख पे ढलती है प्यार मोहब्बत की हवा पहले चलती है फिर एक लट इनकार की रुख पे ढलती है ये सच है कम से कम तो ए मेरे सनम लटे चेहरे से सरकाओ तमन्ना आंखें मलती है हाय हमदम मेरे मान भी जाओ कहना मेरे प्यार का अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का अरे हमदम मेरे आज हमने बहुत सारे महान कलाकारों की बात की जिसमें चलते चलते एक और नाम जोड़ देते हैं और वो नाम है डरावनी फिल्मों यानी हॉरर फिल्म्स के निर्देशक तुलसी राम सिका। इन्हें हॉरर फिल्म्स का जन्मदाता भी कहा जाता है। आपने इनकी बहुत सारी फिल्में देखी होंगी। इनकी फिल्में हैं दो गज जमीन के नीचे, पुराना मंदिर, बंद दरवाजा, तहखाना, पुरानी हवेली और वीराना। तुलसी राम से की आज पुण्यतिथि है, उन्हें भी हम याद करते चलते हैं। तुमसे मिल मिल के सभा दुनिया महकाए बादल ने चोरी किए आंचल के साए ये सच है कम से कम तो ए मेरे सनम चुरा लो मैं भी दो जलवे मेरा अरमा भी रह जाए हाय हमदम मेरे मान भी जाओ कहना मेरे प्यार का अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का अरे हमदम मेरे और अब कार्यक्रम सुरीली बोलियों से दीजिए अपनी रेडियो दोस्त वंदना सहगल को इजाजत इस वादे के साथ कि मिलेंगे यहीं विविध भारती के किसी और कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।